Today our topic is application of convenience in our life. Application of convenience means कि हम अब कंप्यूटर्स को अपने डेली लाइफ में कम कम यूज करें. कंप्यूटर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एवरी पीरियड ऑफ आवर लाइफ. दे आर यूज्ड इन कॉमर्स, बिजनेस, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मेडिकल फील्ड, इवन इन एवरी फील्ड वेयर वी कैन वर्क, वी कैन गो. कंप्यूटर्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. लाइक होम, घर में हमारा काम पे यूज होता है. कंप्यूटर्स आर यूज्ड एट होम फॉर सर्वर पर्पज, लाइक ऑनलाइन बिल पेमेंट, ऑनलाइन बिल पेमेंट करते हैं, मूवीज वगैरह देख लेते हैं. फिल्म भी ट्यूटोरियल आजकल बहुत फैशन में है. ऑनलाइन क्लासेस जो चलती हैं, बच्चों के लिए एजुकेशन स्पॉट मिलता है, जिससे प्लेइंग गेम्स, इंटरनेट एक्सेस, इन मैनी वेज वी यूज द कंप्यूटर इन आवर डेली लाइफ. दे प्रोवाइड कम्युनिकेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन, वी कैन कनेक्टेड विद पीपल्स, दे हेल्प टू अवेल वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी. And after that, in medical fields, second application of computer is medical fields. Medical fields में क्या use होते हैं कि medical hospitals के अंदर हमें patients का जो होता है data को maintain करके रखना होता है या उनका record रखना होता है, उसके लिए हमारा जो है बहुत important होता है database बनाने के लिए computer. And after that, आजकल surgeries जो होती है वो भी काफी remotely conduct की जाने लगी है. Okay? X-ray machines are based on the computer and many more parts are done through computers and medical field also. Next application of kya hai? Entertainment. Entertainment ke liye aapka computer bahut jagah use hota hai, aap sab isse familiar hote hain. Computers help to watch movie online, play games online, act as a virtual entertainer in playing games. Like हम chess खेलते हैं तो एक side आपका computer होता है, एक side आप खुद game खेल सकते हैं. अकेले होते हैं फिर भी आप two players की तरह game खेल सकते हैं. Online games खेल सकते हैं. Music आप सुनते हैं. तो बहुत सारी जगह होती है जहाँ entertainment के लिए आपका computer जो होता है वो बहुत जगह use होता है. आजकल photo editors available होते हैं जो आपको बहुत सारे फैबुलस फीचर्स के साथ आते हैं, जिससे आप अपने आप को इंगेज रख सकते. आफ्टर दैट एजुकेशन पार्ट. कंप्यूटर का जो मेन यूज आजकल हो रहा है वो एजुकेशन के लिए हो रहा है. आप सब अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो वो उसके लिए आपको एक तरह कंप्यूटर या स्मार्टफोन चाहिए होता है और उसी के साथ आप कनेक्टेड होते हैं. और ई बुक्स आजकल अवेलेबल हो गई है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जिनका आप ऑनलाइन रीड कर सकते हैं, ठीक है. और बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ आपके एजुकेशन फील्ड में भी कंप्यूटर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. आफ्टर दैट इन बैंकिंग सेक्टर. बैंकिंग सेक्टर में भी आपका जो कंप्यूटर है वो बहुत अच्छे से यूज हो रहा है, ठीक है. कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू स्टोर डिटेल्स ऑफ कस्टमर्स एंड कंडक्ट ट्रांजेक्शंस. आप एक बार जाके बोलते हैं कि भाई मुझे मेरी पूरे ईयर की जो है ट्रांजेक्शन है उनकी एंट्री चाहिए, तो वो फट से आपको करके दे देते हैं, ठीक है. मतलब उनको कहीं से टैली नहीं करना होता कि कौन से बुक में देखे, कौन से मंथ में देखे. जस्ट दे एंटर योर नेम एंड अकाउंट नंबर एंड वो आपको आपकी पूरी डिटेल्स आपको शो करवा देते हैं. एटीएम विड्रॉल करवाते हैं आजकल हम पैसे, तो उसमें भी आपका एक कंप्यूटर का ही यूज होता है. ओके, फिर नेक्स्ट आपकी एप्लीकेशन होती है बिजनेस. Nowadays computers are totally integrated into business. Business purpose में आपका जो है वो totally integrated हो चुका है computer. Like आपके supplier और employee customers के बीच में transactions को अगर store करवाना है तो भी आप computer को use कर सकते हैं. Computers can make these transactions easy and accurate. वो आपको exact और accuracy के साथ आपको show करवाती है. Like अगर आप normally learn करके रखते हैं, सिर्फ recognize रखते हैं चीजों को, तो आप कुछ भूल सकते हैं. लेकिन अगर आप कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं तो आपको वो चीजें बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ शो होगी. ओके, एंड आफ्टर दैट आपका आता है ट्रेनिंग. आजकल जो ट्रेनिंग्स होती है वो भी कंप्यूटर बेस्ड हो गई है, ठीक है. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने एम्प्लॉइज को कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है. उनसे क्या होता है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव होती है और उनके जो पैसे हैं वो भी आपके सेव होते हैं. लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो आपको किसी अच्छे ट्रेनर से ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं, राइट. और
इसमें ट्रेवलिंग कॉस्ट भी आपका जो है वो कम हो जाता है, और आपको एक अच्छे ट्रेनर के लिए जो नीड होती है वो भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये थी आपकी कुछ बेसिक बेसिक एप्लीकेशंस, लाइक ट्रेनिंग हो गया, ठीक है, बिजनेस पर्पज हो गया, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन, ठीक है, एंटरटेनमेंट, मेडिकल फील्ड्स एंड हॉब, ठीक है। तो ये आपके सारी जो थी मेन मेन एप्लीकेशंस मैंने आपको बता दी हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है कंप्यूटर के, आप खुद से देख सकते हैं अपने आसपास जहां जहां आप कंप्यूटर यूज करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगली वीडियो में हम कंप्यूटर से होने वाली एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।